दोस्तों अगर आप यस बैंक पर इंटरेस्ट रखते हैं या आप उस पर इन्वेस्टर है या ट्रेडर है तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है वो है दिसंबर 10। जी हाँ, दिसंबर 10 को आप नोट करके रख दीजिए अपनी डायरी में, क्योंकि दिसंबर 10 को बोर्ड बैठने वाला यस बैंक का वो $2 बिलियन जो वो रेज करने वाले हैं प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, उसके बारे में। तो ये मैं बहुत ही ईजी में आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, ये 2 बिलियन हो रहे हैं 14,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये पैसा यस बैंक को जरूरी इसीलिए है, उसे रेज करना पड़ेगा। ये पैसा क्यों रेज करना पड़ेगा? क्योंकि यस बैंक की जो पुरानी लोन्स जो है, बहुत हद तक पुरानी लोन्स खराब हो गई है। तो जब लोन्स जब खराब हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक को अभी पैसा अभी चाहिए, ताकि वो भविष्य में जो भी उसको बिजनेस करना है उसके लिए, ठीक है। तो यस बैंक को बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स भी मिले हैं, जैसे कैपिटल ग्रुप है, ये देखिए $1.87 trillion ये मैनेज करता है। उसके अलावा डिस्कवरी कैपिटल, ये देखिए वार्ड फेरी, SPGP, आदित्य बिरला फैमिली ऑफिस, ये सबके उसको बिड मिले हुए। अब ये पैसा जब उसको मिलेगा अलॉटमेंट के जरिए और ये सब कंपनियां स्टेक लेंगी, तो बैंक उस पैसे से बिजनेस कर पाएगी, बिजनेस करेगी, अच्छा बिजनेस करेगी, तो वो फिर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो फिर स्टॉक भी ऊपर जाएगा। लेकिन स्टॉक, ये सब इन्वेस्टर का नाम को देख के स्टॉक नीचे जा चुका है, ऑलरेडी नीचे जा चुका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग को कुछ नाम पसंद नहीं आए हैं, जैसे SPGP होल्डिंग, ये $1200 मिलियन करने वाली है इन्वेस्ट, उन्होंने इच्छा जताई है करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यस बैंक का जो बोर्ड है वो कल बैठेगा और वो बताएंगे, देखेंगे कि किस हिसाब से हम आगे बढ़े। जैसे कैपिटल ग्रुप है, कैपिटल ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है, देखिए 1.87 ट्रिलियन छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग $2000 करोड़ से ऊपर है, इतना पैसा वो मैनेज करते हैं US में। तो वो भी कुछ पैसा, कुछ रुपए या कुछ डॉलर, जैसा भी हम आपको बताएं, कुछ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये अच्छी न्यूज है। तो अच्छे भी न्यूज है, खराब भी न्यूज है, लेकिन अब बैंक में क्या डायरेक्शन आएगा, आपको हमको वेट तो करना पड़ेगा दिसंबर 10 तक का, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या बैंक आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। रवनीत गिल साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं बैंक के शेयर या फिर बैंक का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी तो शेयर आगे बढ़ेगा, इसीलिए अच्छे अगर उन्हें इन्वेस्टर मिले तो फिर बैंक का शेयर का भाव भी ऊपर जाएगा और उसको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे झुंझुनवाला साहब ने जिस दिन इन्वेस्ट किया था, उसी दिन, उसके अगले ही दिन शेयर जो है बहुत अच्छा भागा था। तो वही चीजें होती हैं, अच्छा इन्वेस्टर उनको मिलता है तो बैंक अच्छा बिजनेस करेगी, ऐसा सबका मानना है, सबका ऐसा एक्सपेक्टेशन है बैंक के बारे में। तो ये हम लोगों का छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि ये जो दिसंबर 10 जो तारीख है, फिर से आप नोट करके रखिए, क्योंकि बैंक के इन्वेस्टर्स लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। टाइम के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।